आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इसका जो क्वेश्चन है यहाँ पे बोला है कि विच मॉलिक्यूल इज पोलर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल आपका पोलर होगा। तो देखो, अब आपको इस चीज को पहले समझते हैं हम कि अगर कोई मॉलिक्यूल पोलर है तो उससे हम कैसे देखते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की। अगर किसी मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जीरो आ रहा है तो इसका क्या मतलब है, वो मेरी क्या है, नॉन पोलर है। वो क्या है, मेरी नॉन पोलर है। और अगर आपका डाइपोल मोमेंट क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो, तो वो हमारा क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल होता है। वो पोलर मॉलिक्यूल होता है। अब किसी मॉलिक्यूल को आप पोलर कब बताते हो, मतलब कि उसमें जब क्या हो, पोलैरिटी जनरेट हो। उसमें क्या हो, पोलैरिटी जनरेट हो, मतलब पोलैरिटी का मतलब क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जनरेशन हो। अब ये आपका कब होगा, जब आपका अगर कोई मतलब पोलैरिटी आपकी कब जनरेट होती है, जब आपका क्या हो, वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो। अगर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा एटम्स में, तो हमारी क्या होगी, पोलैरिटी जनरेट होगी। बेसिकली हमें यही देखना है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, अब अगर आपका जैसे इस तरीके से कोई मॉलिक्यूल में CH बॉन्ड है, तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ अलग है कार्बन की, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ अलग है। तो बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा, क्योंकि डिफरेंट है। अब अगर मैं इस तरह करूँ कि सपोज मैंने कोई AA मॉलिक्यूल करके ले लिया, A2, अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आपकी A हो गई और इसकी भी A हो गई, तो दोनों की क्या है, सेम। तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा ही नहीं, तो यानी कि ये मॉलिक्यूल आपका क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। ये आपका क्या हो जाएगा, जब आपकी सेम स्पीशीज होती हैं तो वो क्या हो जाएगा, हमारा नॉन पोलर हो जाएगा। तो बेसिकली अब इनमें आपको क्या देखना है कि कहाँ पे आपका डाइपोल मोमेंट जनरेट होता है कि नहीं। अब डाइपोल मोमेंट की जो आपकी डायरेक्शन होती है, जो आपकी इसकी डायरेक्शन होती है, वो क्या होती है, देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो आपकी क्या होगी, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम से कहाँ की तरफ होती है, लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम की तरफ होती है। ठीक है, अब चलिए इनको हम देखते हैं। आपको फर्स्ट एग्जांपल में पूछा है, इसमें से बोला है कि इन पेयर्स में से किस कौन सा मॉलिक्यूल आपका पोलर होगा। ये आपका HF है और ये आपका F2 है। तो अभी मैंने आपको ये एग्जांपल लेके समझाया कि जैसे आपका AA है, तो उसमें आपका कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, तो वो हमारी क्या होती है, नॉन पोलर होती है। तो सिमिलरली यहाँ पे F2 भी क्या है, आपका एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है। जो आपका F2 है ये क्या है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है। तो जो आपके डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, देखिए ये आपका डायटोमिक मॉलिक्यूल है, जहाँ पे आपके दोनों ही एटम्स क्या है, सेम है। तो उस केस में आपका क्या हो जाता है, डाइपोल मोमेंट आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे जीरो, क्योंकि ये आपका क्या है, नॉन पोलर है। ये आपका क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। जैसे कि अगर आप देखो तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। सिमिलरली इस फ्लोरीन के पास भी 7 होंगे। तो ये इस तरीके से क्या करता है, बॉन्ड बनाता है, यानी कि FF का इस तरीके से बॉन्ड बनता है। और यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो यानी कि ये अब आपका क्या हो गया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो इसका डाइपोल मोमेंट आपका क्या हो गया, यहाँ पे जीरो। अब आपसे पूछा है पोलर ना, तो ये तो होगा नहीं। अब HF का बात करें तो ये आपका H हो गया है, H के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। फ्लोरीन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 एंड यहाँ पे 7। तो ये इस तरीके से क्या करता है, बॉन्ड बनाता है, आपका HF का बॉन्ड बनता है। एंड यहाँ पे कितने, 3 इसके पास लोन पेयर होते हैं। अब यहाँ पे आप देखो तो ये आपका, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ अलग होगा और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ अलग होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी आएगा। और डायरेक्शन आपकी मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम से, तो यानी कि फ्लोरीन तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये आपकी इसकी डायरेक्शन होगी। तो यानी कि यहाँ पे आपका डाइपोल मोमेंट क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो। तो यानी कि ये मेरा क्या होगा, यहाँ पे पोलर मॉलिक्यूल। तो इसमें आपका कौन सा पोलर मॉलिक्यूल आएगा, अगर यहाँ पे हम बात करें तो आपका HF यहाँ पे पोलर मॉलिक्यूल है। अब बात करते हैं CO2 की और वाटर की। अब जो आपको अगला दिया हुआ है इसमें ऑप्शन में, वो आपका CO2 है और आपका क्या है, वाटर है। तो चलिए इनका अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ, तो मेरा CO2 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये 1 2 3 4 हो गए। एंड ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस होते हैं, 6, क्योंकि ग्रुप 16 का है, तो 1 2 3 4 5 6। एंड यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका ऑक्टेट भी कंप्लीट है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो आपका जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा, वो कार्बन मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो ये आपका इस डायरेक्शन में और यहाँ से भी इस डायरेक्शन में, तो ये आपका क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, ये आपका इससे कैंसिल आउट हो रहा है। तो आपका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हो गया, तो ये आपका नॉन पोलर होगा।
तो ये आपका क्या होगा, नॉन पोलर होगा। अब बात करते हैं किसकी, यहाँ पे वाटर की। तो वाटर में अगर हम देखें तो ये मेरा ओ है, यहाँ पे एच है एंड यहाँ पे भी एच है। अब इसके पास क्या होते हैं, दो लोन पेयर होते हैं, दो क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं डायरेक्शन देखूँ तो मेरा इसकी डायरेक्शन इधर और इसकी डायरेक्शन इधर, और जो लोन पेयर की डायरेक्शन होती है वो हमेशा क्या होती है, अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम। क्या होती है, अवे फ्रॉम सेंट्रल, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम। तो यानी कि इसकी डायरेक्शन भी आपकी इधर हो गई और इसकी भी आपकी इधर हो गई, तो नेट डायरेक्शन आपकी आती है अपवर्ड, यानी कि डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये आपका क्या हो गया, एक पोलर मॉलिक्यूल हो गया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका कौन सा पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें आपका एच टू आपका पोलर है। अब एन टू और एन एच थ्री की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे यहाँ पे, अब हम थर्ड जो आपको गिवन है वो आपको एन टू और एन एच थ्री गिवन है। तो एन टू में अभी मैंने आपको बताया कि जब आपकी डायटोमिक होती है तो आपका क्या होता है, ये आपका क्या होता है, नॉन पोलर। देखिए 1 2 3 ये इस तरीके से, यहाँ पे आपका क्या होगा, ये भी नाइट्रोजन होगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये हो गया, यहाँ पे एक नाइट्रोजन के पास कितने, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये मेरा किसका है, ग्रुप 15 का है। तो ये आपका 1 2 3 4 5, सिमिलरली यहाँ पे 4 5। तो इसके बीच में आपका क्या बनता है, इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड बनता है, और यहाँ पे क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये भी हमारा क्या है, ये भी आपका क्या है, नॉन पोलर है। ये आपका क्या है, नॉन पोलर है, क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे नॉन पोलर है, तो यानी कि डाइपोल मोमेंट आपका जीरो, क्योंकि आपकी डायटोमिक स्पीशीज है। अब अगले की बात करें किसकी, अमोनिया की। तो यहाँ पे देखो आप, नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 एंड ये मेरा 4 5। सिमिलरली अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ तो एक ही होता है हाइड्रोजन पे, इस तरीके से। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे प्रॉपरली तो आपका कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पे एक लोन पेयर होगा, ये हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन एंड ये। अब यहाँ पे अगर आप डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखोगे तो आपका हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो ये आपका अपवर्ड, एंड यहाँ पे ये लोन पेयर का डायरेक्शन भी ऐसा अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम, तो नेट आपका कहाँ आ गया, अपवर्ड आ गया, यानी कि नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो यानी कि इसमें हमारा क्या हो गया, एन एच थ्री हो गया। अब बात करते हैं सी एच फोर एंड सी एच थ्री सी एल की, आपका जो लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे हम उसकी बात करेंगे, सी एच फोर और किसकी, सी एच थ्री सी एल की। तो देखो कार्बन का अगर मैं सी एच फोर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो वो मेरा कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन एंड ये। एंड सिमिलरली अगर सी एच थ्री सी एल का ड्रॉ करूँ तो ये मेरा इधर हाइड्रोजन एंड ये। अब यहाँ पे जो आपके डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है, इसकी आपकी अपवर्ड होगी, ये भी आपका इस तरीके से होगा एंड ये भी हमारा, एंड इसका डायरेक्शन भी आपका क्या होगा, देखो यहाँ पे अगर हम इसमें देखें तो आपका ये इस तरीके से होगा, आपका इधर, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ये आपका क्या है, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम है, तो इसका डायरेक्शन इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका इसका रिजल्टेंट होता है, देखिए इस इन दोनों का, सपोज मैं इसको एच ए एच बी और एच सी लिख रही हूँ, तो इनका जो रिजल्टेंट होता है वो हमारा इस डायरेक्शन में होता है एंड ये आपका डाउनवर्ड है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, कैंसिल। तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है, मेरा जीरो, और ये हमारा होता है फिर नॉन पोलर। अब बात करते हैं इसमें, तो इसमें आपका डायरेक्शन आपका इस तरीके से अपवर्ड है, ये भी आपका अपवर्ड है। अब यहाँ पे सी कार्बन और क्लोरीन में ये आपका क्या है, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम है, तो इसके डायरेक्शन आपकी क्या होगी, अपवर्ड होगी इस तरीके से। तो यानी कि आपका नेट जो डायरेक्शन है वो कहाँ है, अपवर्ड है, तो यानी कि डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। तो अगर इनमें हम देखें तो हमारा कौन सा पोलर आया, सी एच थ्री सी एल, तो इन सभी में आपका जो पोलर है वो कौन सा है, आपका एच एफ, अमोनिया, वाटर एंड सी एच थ्री सी एल, ये आपका पोलर है। ओके गाइस, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।